कक्षा 12वीं विषय गणित इकाई 7 अवकलज के अनुप्रयोग प्रश्नावली 10 वक्र y बराबर इस x के ऊपर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता y निर्देशांक के बराबर है। इसको हल करने के लिए हम लिख रहे हैं कुछ इस प्रकार से दिए गए वक्र का समीकरण। दिए गए काहे का वक्र का समीकरण है। दिए गए वक्र का जो समीकरण हमको दिया है वह y बराबरी से क्या x क्यों समीकरण नंबर 1 किसका x के सापेक्ष अवकलन। इसका हम x के सापेक्ष क्या करते अवकलन कर लेंगे। जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या बनेगा dy बाय dx इक्वल टू 3x2। बिंदु एक्स वाई पर क्या बिंदु एक्स वाई पर क्या स्पर्श रेखा की प्रवणता। इस पर हम स्पर्श रेखा की क्या देख रहे हैं प्रवणता देख रहे हैं। तो इस पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगी वो होगी डी वाई बाय डी एक्स एक्स वाई बराबरी से 3x2। जब स्पर्श रेखा की प्रवणता कहे कि जब स्पर्श रेखा की क्या प्रवणता किसके y निर्देशांक स्पर्श रेखा दिया है y निर्देशांक के कैसे बराबर हो ये तो दिया है बराबर हो तब y बराबरी से 3x2। और हमारे पास क्या दिया है y बराबरी से x क्यों कहाँ ये दिया है समीकरण एक में इसी वैल्यू को हम रखें। मतलब क्या x क्यों बराबरी से 3x2 x स्क्वायर क्या होगा कट जाएगा। इससे x की एक वैल्यू मिलेगी लेकिन हमको दो वैल्यू चाहिए। इसके लिए हम इसको लिख x³ - 3x² = 0। दोनों पदों से क्या कामन x² को यदि कामन निकाला तो यहाँ क्या बचा x-3 = 0। मीन्स क्या x = 0 या x = 3। जब हम क्योंकि हम जानते हैं y = हमारे पास है x³ में x के क्या रखेंगे मान x के हम यहाँ क्या रखते मान रखेंगे। तो मान रखने पर देखिए जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे x बराबरी से जब 0 रखेंगे तो y बराबरी से 0³ मीन्स 0 और x बराबरी से कितना 3 रखेंगे तो क्या y बराबरी से 3³ यानी कि कितना 27। अतः अभीष्ट बिंदु क्या होंगे 0, 0 और 3,27 है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतने शेष का धन्यवाद।